होली के त्योहार को लेकर जिस प्रकार की लोगों में सोच बन रही है, और वो सोच है सबसे बड़ी नशा। भांग का नशा करना या भांग की लेकर कोई पूजा पाठ करना, वो वैज्ञानिक रहस्य रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। होली का त्योहार उल्लास का त्योहार है, उमंग का त्योहार है, लेकिन उल्लास और उमंग में अगर नशा कहीं ना कहीं आड़े आता है तो फिर हमारा जो ये त्योहार है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। त्यौहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत देश में कई तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, और इन त्यौहारों में से एक है होली, जिसे रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। और आज हम जानेंगे कि रंगों के त्यौहार का धार्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित व्यास जी, जो कि जयपुर के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर। होली का त्यौहार जिसे रंगों का त्यौहार कहा जाता है और ये 2 दिन बाद आने वाला है, तो इसी पर कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा कि सबसे पहला सवाल यही है कि इसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है। देखिए, ऐसा है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्राचीन काल से कुछ ऐसे त्यौहार मनाए जाते रहे हैं जिनका कोई ना कोई इतिहास रहा है या उसके पीछे कोई ना कोई कहानियाँ रही हैं। कहानियाँ नहीं है बल्कि वो वास्तविकताएँ भी हैं और उनके साक्ष्य भी हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, यहाँ तक कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा भी उसको जस्टिफाइड किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी त्यौहार के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लगा सकते हैं, और प्रश्न चूंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि होली का त्यौहार वो इसी महीने में क्यों मनाया जाता है, या जब भी हमारे मौसम का परिवर्तन होता है तब होली, दिवाली, इस प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी धार्मिक मान्यता तो यह है कि उसके पीछे उस घटना का घटित होना जिसकी वजह से होली का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और यहाँ पर आपसी उल्लास, तरोताजगी, यहाँ तक कि हमारे जीवन में रंगों का एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि हमारा मानव शरीर जो है वो 7 प्रकार के रंगों से किसी न किसी प्रकार से ओतप्रोत है। तो उसके अंदर तरोताजगी बनी रहे, हमारा धर्म के प्रति, हमारा जाति के प्रति, हमारा भाव और उसके प्रति हमारी आस्था जुड़ी रहे, इसीलिए बारंबार हर प्रतिवर्ष हम क्या है त्योहारों को मनाते हैं। और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं मार्च का जो महीना है उसका नाम सुनते ही 2 बातें विशेष रूप से याद आती हैं। एक तो ये कि भाई असेसमेंट ईयर ख़त्म हो रहा होता है 31 मार्च को, दूसरा क्या होता है कि लगभग 10 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में ही होली सामान्यतः आती है, जो कि मौसम परिवर्तन का भी परिचायक होती है। और आप जब खेतों या खलिहानों में देखेंगे तो हर जगह आपको पीला ही रंग चारों तरफ नज़र आएगा, और जो पीत रंग है या जो पीला रंग है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी का कारक होता है, हमारे उमंग का कारक होता है और हमारे तरंग का कारक होता है। जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया, इसका धार्मिक महत्व यह है कि हम जब होली का त्यौहार मनाते हैं तो उससे पहले होलिका दहन का एक शास्त्र सम्मत प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। चूँकि हमारे हिंदू धर्म में भद्रा के अंदर होली का दहन नहीं किया जाता है, और इस बार 24 मार्च 2024 को यानी रविवार के दिन सुबह 9:27 से लेकर और रात के 10:27 तक भद्रा काल रहेगा, और भद्रा के अंदर होली का दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा होलिका का दहन रात को 10:27 से लेकर और लगभग 12:36 तक किया जाना शास्त्र सम्मत है। चूँकि होलिका दहन अगर रात में मनाई जाती है तो निश्चित रूप से ऐसा देखा भी जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि रात्रिकालीन जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, जिसको हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, उस दिन होलिका का दहन करने से कहीं ना कहीं मनों के अंदर जो दुराभाव है, वैमनस्यता का भाव है, वो ख़त्म होता है। और ज्योतिष की दृष्टि में शुक्र और शनि का जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। 2024 का ये जो होली का त्यौहार है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सुखद समाचार अवश्य रूप से लाएगा, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। सर, इसके आपने अभी बताया कि इसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य क्या है, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, मतलब किस तरीके से साइंस की दुनिया इसको कैसे देखती है। अगर विज्ञान के चश्मे से देखें तो विज्ञान हमेशा तर्क के पीछे चलता है और वो तर्क की मांग करता है। तो हमारे इस होली के त्यौहार में चूंकि ऐसे समय पर मनाया जाता है
जिस समय पर सूर्य और चंद्रमा जो है वो बहुत निकटतम दूरी पर होते हैं, यानी कि पूरे साल में यानी 365 दिनों में से यही दिन एक ऐसा होता है जिस समय पर सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के निकट होते हैं। सूर्य हमारे मानव शरीर का आत्मा कारक ग्रह के रूप में मानते हैं, यानी शरीर का निर्माण करने वाला ऊर्जा का कारक होता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। तो जब हमारा शरीर और हमारा मन जब एक के पास में आने की स्थिति में आता है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारे अंदर काम करने की क्षमता, हमारे कार्य करने की जो ऊर्जा है वो उत्तरोत्तर रूप से क्या है हमारे सामने आती है। और ऐसी स्थिति में जब हम होली का त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करते हुए जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं तो मानव शरीर पर रंग लगाने से या खुद के शरीर पर रंग लगने से कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के जो रोम छिद्र हैं उनमें उसके आने से कहीं ना कहीं रोम छिद्र खुलते हैं, शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है जिसे हम पसीने के थ्रू मानते हैं वो बाहर निकलती है। दूसरा, हमारे जिस प्रकार के रंगों का या गुलाल का प्रयोग किया जाता है उसमें कुछ ऐसे पेड़ पौधों या उनके पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होता है और वहीं दूसरी ओर हम उन रंगों को देखकर या होली खेलकर हमारा मन प्रफुल्लित होता है। जब किसी चीज़ के पीछे विज्ञान और मनोविज्ञान काम करते हैं तभी वो एक त्यौहार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सर, आपने सूर्य और चंद्रमा की बात की तो इस बार बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण को लेकर के लोगों के दिमाग में कई सारी चीज़ें हैं कि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो उसको लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से? देखिए, जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका हमारे हिंदुस्तान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि ये एक खगोलीय घटना है तो ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम उसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये घटना हमारे विभिन्न राशियों पर किसी न किसी रूप में थोड़ा सा प्रभाव डालेगी, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है और भारतीय ज्योतिष चंद्रमा पर ही आधारित है। तो ऐसी स्थिति में ये जो चंद्र ग्रहण होगा उसका दो या तीन राशियों पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है, और उन राशियों के जो नाम हैं वो है धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि। ये तीन राशि वाले कहीं ना कहीं चंद्रमा ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक रूप से अपने आप को महसूस करेंगे या एक नैराश्य का भाव उनका आने वाले 20 से 25 दिनों में देखने को मिल सकता है। इसमें एक सवाल और निकल के आ रहा है कि होली, चलो होली की बात हो रही है तो इसमें हमें कहते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है। सर, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि होली रंगों का ही त्यौहार क्यों है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में जब मैं छोटा हुआ करता था, जब हम होली खेला करते थे तो मन में एक जहन आता था कि होली बनाने के लिए हम पटाखे क्यों नहीं फोड़ सकते जी? क्या उस दिन हम पतंगबाजी नहीं कर सकते क्या? क्या हम उस दिन कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते क्या जिससे कि हमारे इस त्यौहार को भी मना लिया जाए और हमारा उसका सार्थकता भी सिद्ध हो जाए? लेकिन वास्तविकता ये है कि हम तेज धुन में गाने चलाते हैं, सुनते हैं, थाप, चंग इत्यादि बजाए जाते हैं, और होली के दिन रंगों का जब प्रचार प्रसार होता है तो हमारे जो भी परिवर्तन, हमारे मौसम परिवर्तन होता है उसकी वजह से मनुष्य के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो कहीं ना कहीं रंग और गुलाल वो मानव शरीर पर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रोकने का, उससे बचाव करने का बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपन्न किया जाता है। चूँकि उस दिन कहीं ना कहीं हम उस त्यौहार को मनाने के लिए कुछ ऐसा माध्यम चुनते हैं जिससे कि हम हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनको एक्टिव बना सकें। अगर बड़े स्तर पर म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी कर्ण यानी हमारी जो ENT डिपार्टमेंट है वो एक्टिव हो जाता है। रंग अगर हम किसी के लगाते हैं तो हमारे शरीर की जो स्किन एलर्जीज वगैरह होती हैं वो दूर हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जब हम होली खेलते समय पानी का प्रयोग करते हैं तो शरीर को एक अंदर से ऊर्जा पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट होने की स्थिति में होती है। तो शरीर पर जब विभिन्न प्रकार की चीज़ें डाली जाती हैं तो शरीर कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए या उसकी एक्सेप्टेंस देने के लिए ज़रूरी होता है कि इस प्रकार की गतिविधियों को संपन्न किया जाए। जैसे एक्यूपंचर होता है, एक्यूप्रेशर जो होता है वो भी इसी प्रकार की मेथोडोलॉजी होती है। इसमें ठीक है कि इसके अंदर कुछ मनोविकृतियाँ भी हैं कि कई लोग बाग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भी कई प्रकार के गलत हथकंडे अपनाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि ये आपसी वैमनस्यत्व को दूर करने का एक बहुत अच्छा त्यौहार है और शारीरिक संरचना के ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बेहतरीन हमारे समाज को दिया गया एक ऐसा त्यौहार है जो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की तो रक्षा करता ही है बल्कि हमारे धर्म के प्रति हमारा आस्था का भाव भी बढ़ जाता है। जी, रंगों की बात हो गई और आपने बताया राशि परिवर्तन और राशियों की भी बात बताई, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि क्या किसी व्यक्ति विशेष को या किसी राशि को पर्टिकुलर रंग से खेलना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है?
देखिए, यह बात भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्या है कि हम जितने भी लोग बार हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं, हमारे ज्योतिष में दो प्रकार की विधाएं हैं, सूर्य पर आधारित राशि और एक होती है चंद्रमा पर आधारित राशि। जी, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में चंद्रमा पर आधारित जो राशियाँ होती हैं उन्हीं को ही मान्यता दी जाती है और उसके आधार पर 12 राशियों का निर्माण होता है। जी, तो अगर हम राशियों के अनुसार रंगों का त्यौहार मनाते हैं, गुलाल का प्रयोग करते हैं, रंग का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा तो सर्वांगीण विकास होता ही है, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम होली खेल रहे जा रहे हैं उस पर हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए मेष राशि वाले हैं और वृश्चिक राशि वाले हैं, ये दो राशि वाले हैं ऐसे हैं जिनका स्वामी मंगल है, तो ऐसे राशि वाले व्यक्तियों को खासतौर पर लाल रंग का इस्तेमाल कलर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए या गुलाल के रूप में करना चाहिए, जिससे लाल रंग को हम लोग वैसे भी एनर्जी का कारक मानते हैं, तो मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को होली खेलने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाला का जो स्वामी है वो शुक्र है, चूंकि शुक्र की प्रभावशीलता हमारे जीवन में भौतिकता के रूप में देखी जाती है, तो ऐसे रंग में सफ़ेद रंग का, क्रीम कलर का या हल्के कलर के जो रंग हैं या गुलाल हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले व्यक्तियों की राशि का स्वामी होता है बुध, तो ऐसी स्थिति में बुध को मजबूत करने के लिए, वाणी दोष को खत्म करने के लिए हरे रंग का जो रंग अगर हम प्रयोग करते हैं, तो हरा रंग चूंकि हमारी प्रकृति की संरचना को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याय माना गया है, तो ऐसी स्थिति में हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं गुलाबी रंग से या लाल रंग से होली खेलना शुभ माना गया है। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि जो है उसके स्वामी हैं चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि सिल्वर रंग या कह लीजिए कि सफ़ेद रंग और क्रीम कलर का रंग अगर आप रंग के रूप में या गुलाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आती है बात मकर राशि की और कुंभ राशि की। देखिए, मकर राशि और कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है, तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और आपकी मीन राशि वालों को गहरे नीले रंग का या मटमेले रंग का जो कलर है उसका इस्तेमाल अपने होली के त्यौहार में किया जाना चाहिए। और एक और राशि रह गई है जिसका नाम है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी भी गुरु है, तो गुरु चूंकि बृहस्पति से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ऐसे व्यक्तियों को पीले रंग से होली खेलना शास्त्र सम्मत भी है और पीला रंग हमारे लिए वैसे भी प्रॉस्पेरिटी का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी जो 12 राशियां हैं उनके लिए अलग अलग कलर से होली खेलने का एक विधान है, और ज्योतिष की दृष्टि से चूंकि कलर थेरेपी जो होती है वो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने में सफलता प्रदान करती है। होली की अगर बात करें तो होली में हम देखते हैं कि पहले जिस तरीके से होली खेली जाती थी, मनाई जाती थी, लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा था, और मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि पिछले कुछ 4-5 सालों में कुछ रुझान में कमी आई है और अब वापस ऐसा लग रहा है कि लोग इसकी तरफ वापस बढ़ रहे हैं, इसको पसंद करने लगे हैं, तो इसके पीछे क्या कोई? देखिए, ऐसा है कि जब त्योहारों में बाजारवाद हावी हो जाता है जी, तो ऐसी घटनाओं को जन्म दिया जाता है, और फिर जब त्योहारों में राजनीतिकरण हो जाता है तो भी उसकी वजह से इनमें उच्चावचन देखने को मिलते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में हम सब लोग जानते हैं, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा पतंगबाजी अगर होती है तो वो होती है आपके जयपुर की, जबकि वो त्यौहार वास्तव में गुजरात का है। तो ऐसी स्थिति में जयपुर नगरी तो अपने आप में वैसे भी एक छोटी काशी के रूप में है, तो कहीं ना कहीं जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो जयपुर में सभी प्रकार के त्यौहार शुरू से अच्छे तरीके से मनाए जाते रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न किया, एक हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से तो जिस प्रकार से पहले त्यौहार मनाए जाते थे उसमें लोगों की सोच थी धार्मिक आस्था, फिर बाद में जब देखा कि बाजारवाद उस पर हावी हो गया, यानी पश्चिमी सभ्यता का हमारे पर जब प्रभाव बढ़ा, तो हम ऐसे त्यौहारों को मनाने लगे जिनका हमारे जीवन से व्यक्तिगत रूप से कोई लेना देना नहीं रहा। और उस बाजारवाद की वजह से ऐसा रहा कि पिछले करीब 2015 से पहले का जो टेन्योर रहा 10-15 साल का, वो बाजारवाद से ओतप्रोत था, लेकिन वापस से कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति और आस्था के प्रति जिस प्रकार से लोगों का जुड़ाव जो हुआ है और सरकारों का त्योहारों के प्रति जो रवैया रहा उसमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं वापस से लोगों का रुझान जो है अपने पुराने त्योहारों को अच्छी तरीके से मनाने की
और अग्रसर कर रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मीडिया वालों का यानी आप लोगों का, चैनल वालों का एक बहुत बड़ा योगदान इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक हमारे नव युवकों को या नव युवतियों को हमारे धर्म के बारे में, हमारी विचारधाराओं के बारे में प्रचारित और प्रसारित नहीं किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत होकर ही त्योहारों को मनाएगी। तो इसके लिए आप लोग सभी साधुवाद के पात्र भी हैं, और सरकार का जिस प्रकार का रवैया रहा उससे कहीं ना कहीं पिछले कुछ 3-4-5 सालों में जिस तेज़ी से भगवान के प्रति, धार्मिक आस्थाओं के प्रति और त्योहारों के प्रति जो रुझान बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु की ओर ले जाने की ओर अग्रसर कर रहा है। सर, ये आपने बात बताई जिसमें आपने कहा कि बाजारवाद की आपने बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि धर्म के ऊपर राजनीतिकरण भी हावी होता नजर आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब राजनीति में मुद्दे जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है जो 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं। एक है जाति, दूसरा है क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका धार्मिक आस्थाएं। तो अभी तक पिछले राजनीति को देखते हैं तो वहाँ पर जातिवाद और कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद हावी रहा था। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पिछले कई सालों से हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान करता रहा, लेकिन जब वहाँ जातिवाद के आधार पर विकृतिकरण हुआ, उसका परिणाम ये देखने का रहा कि वहाँ दक्षिण भारतीय लोगों ने वर्चस्व बनाना चालू किया। लेकिन जब इन दोनों ही चीज़ों से लोगों को लाभान्वित नहीं हुए, तो लोगों ने धर्म और आस्था की तरफ मुंह मोड़ा, और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों ने उठाया है, और उन्होंने अपने एजेंडे में भी उसको क्या कर लिया, शामिल कर लिया। चाहे वो सरकार कोई सी भी हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि धर्म के आड़ में राजनीति करना उचित नहीं है, लेकिन राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए धर्म का सहारा लेना 100% उचित है। तो सर, इसमें अगर हम धर्म की आपने बात बताई, मुझे राजनीति का आपने ये समझाया है, लेकिन हम आखिरी में ये बात कहें कि होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और त्यौहार कोई सा भी हो, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, लेकिन अभी होली पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप एक क्या राय देना चाहेंगे या कोई लेसन ऐसा हो जो देना चाहेंगे कि इससे वो सतर्क रहें, मैं यूँ कहूँ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या आती है कि होली के त्यौहार को लेकर जिस प्रकार की लोगों में सोच बन रही है, और वो सोच है सबसे बड़ी नशा। मैं ये मानता हूँ कि भांग का नशा करना या भांग की लेकर कोई पूजा पाठ करना, वो वैज्ञानिक रहस्य रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जते, यानी किसी भी चीज़ की अगर आप अति करेंगे तो निश्चित मान के चलना कि उसमें विकृति आएगी। तो ठीक वैसे ही होली का त्यौहार जो लोग बाग बनाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं देखा भी गया है और देखा जा रहा है कि लोग बाग नशे की प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट होकर और उसको उस तरीके से मनाना चाहते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था कि होली का त्यौहार उल्लास का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है, लेकिन उल्लास और उमंग में अगर नशा कहीं ना कहीं आड़े आता है, तो फिर हमारा जो ये त्यौहार है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो मैं दर्शकों से यही निवेदन करूँगा कि त्यौहार आप अच्छी तरीके से मनाएं, रंगों के साथ बनाएं, कलर ऐसा इस्तेमाल नहीं करें जिससे किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान हो या किसी भी प्रकार का और नुकसान हो। दूसरी बात यह कि गुलाल से होली खेलें, कलर उन्हीं कलर से होली खेलें जिनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिले। तो आप दर्शकों से, सभी से मेरा निवेदन है कि रंग में भंग नहीं पड़े, उसके लिए भांग से उचित दूरी बना के रखें, और नशे को अपने इस उल्लास वाले त्यौहार से कहीं ना कहीं अपने जीवन से हटाने का प्रयास करें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित व्यास, जिन्होंने बताया कि होली के त्यौहार का महत्व क्या है, किस तरह से इसको मनाना चाहिए, और इसके राशि वाले प्रभाव क्या हैं, वो भी हमें जानने को मिले। और अभी सभी दर्शकों से ये अपील है कि आप इसको बहुत ही सेफ्टी के साथ मनाएं, नशे से दूर रहें, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भांग का उपयोग जितना कम हो सके उतना कम करें। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं अभिजीत शर्मा।